हेलो एवरीवन, मैं हूं विक्रम और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे ETF जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को लेकर, उसमें काफी सारे लोगों ने इसके बारे में कमेंट करा था कि ETF पे वीडियो बनाओ, तो उसी के लिए मैंने कंबाइन करें 10 ऐसे ETF जो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और आपको एक काफी डिसेंट रिटर्न दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो को। तो जो सबसे पहला ETF मैं आपको बताने जा रहा हूं, ETF का नाम है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 यानी निफ्टी 20। तो अब निफ्टी 20 क्या है? अब आप इसको ऐसे मान लो कि निफ्टी 50 के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं, टोटल जितने 50 स्टॉक्स हैं, उन सभी को आपको परचेस करना है, पर आपके पास उतने फंड्स नहीं है, बट आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हो उन सभी में। तो आप क्या कर सकते हो, आप पूरी निफ्टी 50 की ग्रोथ को कैप्चर कर सकते हो जस्ट विद द निफ्टी 20। मतलब आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करो और आपके वो निफ्टी 50 की सारी कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएगा। मतलब आपने एक तरीके से पूरा बास्केट खरीद लिया, सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। अब देखो, जो अभी निफ्टी 20 का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 270 रुपीज का जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसमें कुछ चीजें ध्यान देने वाली है जिसमें आपको एक्सपेंस रेशियो देखना है हर एक ETF का, कि कौन सा ETF आपको कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और चेक करनी है, वो है ट्रैकिंग एरर, कि ट्रैकिंग एरर कितना है। अब जैसे मान लो कि आपने इस ETF में पैसे तो डाल दिए, बट उसके बाद हो क्या रहा है कि जितनी परफॉर्मेंस निफ्टी की जा रही है, क्या इसकी परफॉर्मेंस भी उतनी जा रही है, क्या ये सेम परफॉर्मेंस कैप्चर कर पा रहे हैं। तो उसमें जो हल्का सा एरर होता है वो ETF टू ETF वेरी कर सकता है। तो आपको ये दो चीजें साथ साथ जरूर देखनी है और एक्सपेंस रेशियो साथ साथ जरूर देखना है। AUM है इसका 27,000 करोड़ का और उसके बाद जो एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिल रहा है वो है 0.04% और नंबर ऑफ स्टॉक्स वही है 50 जो मैंने आपको बताया था। तो अब आप ETF को ऐसे मत देखो कि आपने आज खरीद लिया और उसके बाद सीधा 10 साल बाद या 5 साल बाद देख रहे हो। ETF में ऐसे इन्वेस्टिंग नहीं करते लॉन्ग टर्म के लिए। आपको हर महीने, जैसे आप SIP करते हो ना, थोड़ी थोड़ी यूनिट्स खरीदते रहते हो म्यूचुअल फंड्स वगैरह की, तो आपको ऐसे ही ETF में भी इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। आपको हर महीने का डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा अपना कि हमें इतने इतने पैसे इसमें इन्वेस्ट करता जाऊंगा, तब जाके आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब जो हम निफ्टी 20 का पास्ट 1 ईयर का रिकॉर्ड देखें तो हमें 23% का गेन देखने को मिलता है। अब वैसे तो पास्ट परफॉर्मेंस इतना मैटर नहीं करता, बट स्टिल हमारे पास अगर ये डेटा अवेलेबल है तो हम इसको देख सकते हैं। तो लास्ट 1 ईयर में हमें दिखाता है कि 23% का हमें गेन देखने को मिला है, और अगर लास्ट 5 ईयर का हम देखें 115% का गेन देखने को मिलता है। उसके बाद आता है हमारा अगला ETF जिसका नाम है HDFC निफ्टी 50 ETF। अब ये भी निफ्टी 20 की तरह सेम ही है, ये भी सारी चीजें ऑलमोस्ट जैसे 50 कंपनीज में निफ्टी 50 की इन्वेस्ट करना और उसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, सारी चीजें इसमें सेम है। बस फर्क यहाँ पे आता है कि हमें यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो अलग देखने को मिलता है और ट्रैकिंग एरर भी हमें यहाँ पे अलग देखने को मिलता है, और AUM है वो भी हमें यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलता है। तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आप देख सकते हो कि 0.05% का है, और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 3,352 करोड़ का, और ये भी एक 50 स्टॉक्स का बास्केट है। अब ये जो फंड है ये नया फंड है, 2023 में ओपन हुआ है, तो हमें लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस तो नहीं मिलता, बट लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है जो कि है 26% के अराउंड, जो कि हमें निफ्टी 20 में 24.8% के आसपास कुछ देखने को मिला था, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है। तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो इसमें इन्वेस्ट करना। उसके बाद आता है हमारा अगला ETF जिसका नाम है SBI ETF निफ्टी 50। अभी ETF का मोटिव भी वही है जो पिछले दो ETFs का था, बट इसमें अभी यहाँ पे मुझे लोअर प्राइस देखने को मिल रहा है बाकी दोनों के मुकाबले, और यहाँ पे जो पास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो 27% के आसपास दिखा रहा है, और उसके बाद अगर हम लास्ट 5 ईयर के परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे हमें 110% का गेन देखने को मिलता है। उसके बाद हम AUM को देखें, यहाँ पे 1,80,000 करोड़ का हमें AUM देखने को मिलता है, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो हमें 0.04% का देखने को मिलता है, और इसकी जो अभी एक यूनिट का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 255 रुपीज का, जो कि निफ्टी 20 में 270 रुपीज का चल रहा था और HDFC में 267 रुपीज का। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि जब 3-4 साल पहले जब मैं स्टार्ट कर रहा था इन्वेस्टिंग, तो मेरे को सबसे पहले निफ्टी 20 ही दिखा था, तो मैंने उसी के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो अपने अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट ETF पे जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। अब इस ETF का पर्पस क्या है? अब इसके नाम में ही आप देखो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, यानी आप ऐसे समझ लो कि निफ्टी की टॉप की जो 100 कंपनीज है उसमें जो स्टार्टिंग की 50 कंपनीज है वो तो आपने अभी पिछले तीनों फंड में देखा कि वो उसमें इन्वेस्ट हो रहे थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट 50 है यानी 50 से लेके 100 टॉप कंपनी है, तो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है ये फंड। अब जो नेक्स्ट 50 होती है वो क्या होती है, वो मिड कैप कंपनीज होती है थोड़ी थोड़ी। अब नेक्स्ट 50 लोग क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें स्लाइटली ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। अभी ETF को
बनाने का पर्पस ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अब देखो ऐसे होता है ना कि हर टाइप का इन्वेस्टर होता है, कोई इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क ले सकता है, कोई कम रिस्क ले सकता है, तो जो नेक्स्ट 50 कंपनीज होती है उनमें स्लाइटली हायर रिस्क होता है अपने टॉप की निफ्टी 50 कंपनीज से, वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है और आपको वहां पे रिटर्न भी उसी हिसाब से फिर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जब अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर काफी अच्छा परफॉर्म करती है। तो इस वजह से हर टाइप के इन्वेस्टर्स को केटर करने के लिए हर टाइप के ETF बने हुए हैं, तो ये नेक्स्ट 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अभी CTF के एक यूनिट का जो प्राइस है वो है 76 रुपीज, इसका जो हम AUM देखें वो है 637 करोड़ का और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.1%। लास्ट 1 ईयर की ग्रोथ देखें तो हमें 36% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है और लास्ट 5 ईयर की देखें तो वो भी हमें 36% की देखने को मिलती है, क्योंकि फंड ही अभी स्टार्ट हुआ है, 2023 के एंड में ये ETF स्टार्ट हुआ था, तो उस हिसाब से अभी इसका 1 ईयर का रिटर्न ही हम कंसिडर करके चलते हैं कि 36% यहाँ पे शो कर रहा है हमें, जो कि अगेन हमारे किसी ज्यादा काम का नहीं है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हिसाब से, क्योंकि आप हर जगह देखोगे तो आपको यही लिखा होता है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो गारंटी नहीं करते फ्यूचर रिटर्न्स की। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले ETF पे जिसका नाम है UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। अब अगेन इसका भी काम वही है कि जो 51-100 टॉप लार्जेस्ट जो कंपनी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आप जो भी पैसा इस ETF में डालोगे वो डायरेक्टली आपके उन कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएगा, या ऐसा कह सकते हैं कि उनकी जो भी ग्रोथ होगी वो आप कैप्चर कर पाओगे इस ETF के थ्रू। अब ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा इसके बारे में क्योंकि सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है। तो चीजें जो मैं आपको बताया था, जैसे कि अभी इसका जो एक यूनिट का जो प्राइस है वो चल रहा है 78 रुपीज के आसपास, ठीक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो। उसके बाद जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है यानी AUM जो है इसका वो है 2100 करोड़ का। उसके बाद जो हमें एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है वो है 0.15% का। तो ये हो गया आपका एक्सपेंस रेशियो। उसके बाद आता है हमारा अगला ETF जिसका नाम है कोटक निफ्टी बैंक ETF। अब आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी नाम का एक इंडेक्स होता है, निफ्टी बैंक में आपके बैंक्स आ जाएंगे सारे, कि आपको अगर बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आप निफ्टी बैंक के ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते। ये जो ETF है वो है कोटक निफ्टी बैंक ETF। इसका जो अभी एक यूनिट का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 538 रुपीज का और पास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस हम देखें तो हमें यहाँ पे 16% का गेन देखने को मिलता है और वहीं पे अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का गेन देखें तो यहाँ पे हमें 67% का गेन देखने को मिलता है। उसके बाद जो इसका AUM हम देखें वो है 5700 करोड़ का और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.16%। तो अगर आपको एज अ इन्वेस्टर ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं तो आप बैंक निफ्टी के ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसी तरह से अगर आपको लगता है कि बैंकिंग नहीं IT सेक्टर में हो सकता है 5-10 सालों में काफी बड़ा मूव आ सकता है तो उसके लिए भी आपको एक ETF मिलता है जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी IT ETF। अब इसमें क्या होता है कि जो लीडिंग IT सेक्टर की कंपनीज है निफ्टी 50 के अंदर, ये उनके अंदर इन्वेस्ट करता है, तो आप जो भी पैसे डालोगे वो आपके निफ्टी के IT स्टॉक्स की ग्रोथ को कैप्चर करेगा और उसी के लिए ये ETF है। तो इस ETF के जो एक यूनिट का प्राइस है वो है 40 रुपीज के आसपास जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके जो अगर हम पास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस देखें तो हमें 7.8% का यहाँ पे अप मूव देखने को मिलता है और लास्ट अगर 5 ईयर का देखें तो वो हमें इतना ज्यादा नहीं दिखाता क्योंकि ये दिसंबर 2023 में ही लॉन्च हुआ है। इन सबके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे आने वाले सालों में गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो आपके पास गोल्ड के लिए भी ETF है, तो उस ETF का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ETF। अब आपको समझ आने लगा होगा कि ये क्या करता है, जो गोल्ड का प्राइस होता है ये उस प्राइस को ट्रैक करता है, सिमिलर रिटर्न्स देता है आपको। अभी ETF के एक यूनिट का जो प्राइस है वो चल रहा है 65 रुपीज का और पास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखे तो हमें 23% का यहाँ पे अप मूव देखने को मिलता है और इसी के साथ साथ हम लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो हमें 103% का यहाँ पे अप मूव देखने को मिलता है, जो कि अगेन उसको देख के आप इन्वेस्ट मत करना, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्लान करना जो भी आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। अब इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 800 करोड़ का और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.54% का। तो आपके लिए इस लिस्ट में मैंने गोल्ड का भी एक ETF इंक्लूड कर दिया है। अब उसके बाद मैं चाहता था कि आपको एक डाइवर्स ऑप्शन मिले इस लिस्ट के अंदर जिसमें आप अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग मार्केट्स को भी कैप्चर कर सको, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ETF इंक्लूड करा है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल नैसडेक 100 ETF। अब ये क्या करता है, तो ये नैसडेक 100 जो इंडेक्स है उसको ट्रैक करता है, यानी जो नैसडेक पर लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज उनमें ये इन्वेस्ट करता है, जो कि मोस्टली टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे फोकस करते हैं। तो जैसे आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो सोच सकते हैं कि यार हमें बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो काफी ज्यादा इनोवेटिव होती है। आपने देखा कि बहुत सारी बाहर की कंपनीज है जो काफी इनोवेटिव है और काफी ज्यादा ग्रो कर रही है ग्लोबली, तो अगर आप चाहते हो कि आपका उसमें भी थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर बन जाए बट आप डायरेक्ट नहीं खरीदना चाहते तो आप ETF के थ्रू कर सकते हो जिसमें आप
टॉप नैसडेक की 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दोगे सिर्फ एक ETF में इन्वेस्ट करके। तो ये लिस्ट मैंने सबकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाई है ताकि हर एक इन्वेस्टर को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ मिल सके। तो इस ETF के जो एक यूनिट का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है अभी 167 रुपीज का जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसके जो लास्ट 1 ईयर की हम परफॉर्मेंस देखें तो हमें यहाँ पे 38% का अपमूव देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लास्ट 5 ईयर का देखें तो हमें यहाँ पे 212% का अपमूव देखने को मिलता है। जो इसका AUM है वो है 7,534 करोड़ का, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.58% का। अब इन सब में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस भी करना, क्योंकि अब जैसे आप इस वीडियो के बाद ही जाके आप खरीदने लग जाओ तो आप वो मत करना, पहले आप अपना एनालिसिस। जैसे आप अभी देख सकते हो कि US में इलेक्शंस होने वाले हैं तो वहां पे हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है मार्केट्स के अंदर काफी ज्यादा। उसके बाद आता है हमारी लिस्ट का लास्ट ETF जिसका नाम है मिराई एसेट फैंग प्लस ETF। अब ये क्या करता है, ये न्यूयॉर्क स्टेट एक्सचेंज में जो फैंग प्लस इंडेक्स है ये उसको ट्रैक करता है, और इसमें क्या करता है कि जो हाईली ट्रेडेड ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं और जो टेक एनेबल्ड कंपनीज होती हैं ये उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा और उनकी ग्रोथ को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अभी ETF के एक यूनिट का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 99 रुपीज का जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। हम इसके लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो हमें 56% का, मतलब 57 ही समझ लो, 57% का हमें यहाँ पे अपमूव देखने को मिलता है, और लास्ट 5 ईयर का हम अगर देखें तो 104% का हमें अपमूव देखने को मिलता है। बट अगेन ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमें अपना एनालिसिस करना है उसके बाद इन्वेस्ट करना है। उसके बाद जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 2,143 करोड़ का, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.66%। तो यही थे वो 10 ETF जिनको आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स के लिए कंसीडर कर सकते हो। इसमें मैंने हर टाइप के इन्वेस्टर के लिए अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग एक्सचेंजेस के भी डाल दिए इसमें मैंने, कि आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी अगर जिसको चाहिए या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबको सब चीज़ यहाँ पे मिल जाए इन 10 ETFs के अंदर ही। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो पे, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।